इज लेक्चर नंबर 9 और मेजरेबल सेट के ही चैप्टर नंबर 3 मेजरेबल सेट्स का है, जिसमें रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर में भी इसी से किया है, उससे पहले भी लेक्चर में भी इसी चैप्टर से किया है। तो ये प्रॉब्लम 7 ऑन पेज है, जो इम्पोर्टेंट 82 पर है, जो इम्पोर्टेंट है। इफ़ E1 E2 आर मेजरेबल सेट्स हैं, देन यू हैव टू प्रूव दैट मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्लस ओ सॉरी प्लस एम इंटर E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू ME1 प्लस ME2। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो कैसे करेंगे हम, लेट ए बी सेट लिया और हम जो डेफिनेशन है E1 इज मेजरेबल लिया, डेफिनेशन लगाया मेजर ऑफ ए इक्वल टू ए मेजर वाले लगाया और ए को रिप्लेस कर दिया E1 यूनियन E2 से कर दिया। तो आपको और एडिंग कर दिया क्या क्या दोनों तरफ, मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो जब दोनों तरफ हमने इसमें इस तरह से किया, तो ये सेट थ्योरी से ये मैंने इसमें डिस्कस किया है काफ़ी इस तरह से हम। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लेंगे मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2, राइट। और क्योंकि इज मेजरेबल है तो आउटर मेजर इक्वल टू इनर मेजर इक्वल टू मेजर ऑफ लिख सकते हैं, या मेजरेबल लेकर चल रहे हैं सेट तो मेजर, चाहे तो मेजर स्टार लिखें या एम लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह प्रूव कर लेंगे। अब थ्योरम 3.4.10 है, लेट ई बी ए मेजरेबल सेट एंड एफ बी एनी सेट, देन नंबर 1 प्रूव करना है मेजर ऑफ ई यूनियन बी प्लस मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई, उसी वही इसी तरह का रिजल्ट है लेकिन इसे इसी तरह से प्रूफ किया गया है इसमें। तो मेजर ई प्लस मेजर ऑफ एफ, या अगर ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू एम्प्टी हो, दे आर डिसजॉइंट हो, तो केवल ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हट जाएगा ऊपर वाले में, सही हो जाएगा। मेजर ऑफ ई यूनियन बी इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ एफ लिख सकते हैं। अब सिंस प्रूफ करते हैं, सिंस ई इज मेजरेबल, तो वही उसी तरह से टेकिंग ए इक्वल टू ई यूनियन एफ ले लेते हैं इसमें। और हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या, मेजर ऑफ ए मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट 1, पुट रख देते हैं इक्वल टू ई यूनियन एफ एक बार। तो हमें क्या मिला, इस तरह से ये पोर्शन मिल गया हमें ना। ठीक है, इसे देख लेंगे, मेजर ऑफ ई यूनियन एफ मेजर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई, और चूंकि यहाँ पर पहले वाले में ई यूनियन एफ है और क्योंकि ये बड़ा सेट है और इंटरसेक्ट ई करता है, तो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में मेजर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई सी, मैंने इसे ओपन करके समझाया अच्छी तरह से, ई इंटरसेक्शन ई सी, तो ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ एम, एक तो एम्प्टी सेट आ गया, इंटरसेक्शन ई सी एम्प्टी सेट हो गया, यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, तो मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं हम एफ माइनस ई। ठीक है, तो मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ एफ माइनस ई लिखा, तो इसे इक्वेशन 2 नाम दिया। इसी तरह से अब इक्वल टू एफ रखते हैं 1 में, तो इससे क्या मिला हमें, ये मिला, तो ये हुआ आपका यहाँ पर मेजर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ एफ माइनस ई लिख सकते हैं, इसे 3 मिला। अब दोनों क्या करते हैं हम, वैल्यू रख देते हैं किसकी, मेजर ऑफ एफ माइनस ई की, ठीक है, 2 में, तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। नाउ गो टू नेक्स्ट पेज, इसी का बी पार्ट है इसी थ्योरम का। इफ ई इज ए सबसेट ऑफ विद मेजर ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी, देन मेजर ऑफ एफ माइनस ई इक्वल टू मेजर ऑफ एफ माइनस मेजर ऑफ ई, ये प्रूफ करना है। यानी कि दो सेट की जो डिफरेंस, मेजर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट है, वे सेपरेट से होगी, किस तरह से, मेजर ऑफ एफ माइनस मेजर ऑफ ई, इस तरह से। तो मैंने यह सेट बनाया है एक तरह से, जैसे मैं समझा देता हूँ, जो एफ है वो बड़ा सेट है जिसमें ई भी कंटेंट है, और जो एस है, एस को हमने कम्प्लीमेंट ले लिया एफ में, तो ई का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये आ जाएगा एस आ जाएगा, जो एस दिया हुआ है इसमें, एस इक्वल टू एफ माइनस ई। तो इस तरह से हम अगर इस सेट थ्योरी से लें, ई इंटरसेक्शन एस डिसजॉइंट हो गया और एस एफ माइनस ई हो गया, और ई यूनियन एफ एफ के बराबर होगा क्योंकि एफ बड़ा सेट है, और ई इंटरसेक्शन एफ छोटा सेट का आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई यूनियन एस एफ आ जाएगा, चूँकि ई जे सबसेट ऑफ एफ है। ये सारी सेट थ्योरी ध्यान में रखनी है इसे प्रूफ करने से पहले। तो राइट एस इक्वल टू एफ माइनस ई, सो दैट ई यूनियन एस इक्वल टू एफ, उसी तरह से ई इंटरसेक्शन एस है ना इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो वी नो दैट इज मेजरेबल सेट फॉर एनी सेट, डेफिनेशन रख लेते हैं और हम रखते हैं वी टेक ए इक्वल टू ई यूनियन एफ। ठीक है, तो ए इक्वल टू ई यूनियन एफ रख लेते हैं। ई यूनियन एफ क्या है हमारी, एक तरह से बड़ा सेट है एफ। तो देन
रखते हैं मेजर ऑफ, जो हमारी डेफिनेशन है मेजर ऑफ ई यूनियन एफ, मेजर ऑफ ई इंटरसेक्ट करके ये आ गया, ए इसका इंटरसेक्शन ये होगा क्योंकि ये बड़ा सेट है तो ये आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये ई यूनियन एफ, तो यहाँ ई सी क्या आएगा, आ जाएगा आपका, इस तरह से करेंगे इसे मेजर ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई सी, अलग अलग किया ठीक है, यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई सी। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन ई सी एम टी सेट और यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई सी, इसे क्या लिखेंगे एफ माइनस ई। तो ये हमें मिल गया, इसे इक्वेशन दिया वन। अब जो है नाउ पुट सिंस ई इज ए सबसेट ऑफ, देन बाय सेट थ्योरी ई यूनियन एफ इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर हम फ्रॉम वन से अगेन, तो यहाँ पर एफ रख देते हैं यूनियन एफ है ना, तो यहाँ से हमने जहाँ पे आपको ए रखना है वहाँ एफ रख देते हैं। तो मेजर ऑफ एफ इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस मेजर एफ माइनस ई, ये इस तरह से बना और इसे हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया और हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये रिजल्ट मिल गया ठीक है, तो पहले से तो ये हो गया 10/1 इम्प्लाइज ए मेजर ऑफ एफ इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ एफ माइनस ई। तो यहाँ पर ये इस तरह से मिल गया रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट थ्योरम 3.4.11, लेट ई बी एनी सेट विद फाइनाइट मेजर, देन इज मेजरेबल इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट ए मेजरेबल सेट बी विद मेजर ऑफ बी इक्वल टू मेजर ऑफ ई। ये बहुत काम आएगा रिजल्ट आगे भी, तो हम इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें दोनों तरफ से करेंगे, कन्वर्स भी करेंगे इसका प्रूफ। तो एक तरफ से लेते हैं, सपोज इज मेजरेबल होगा और विद फाइनाइट मेजर, तो अगर ये मेजरेबल है तो बी को हम ई के इक्वल ले लेते हैं इस रिजल्ट, इसे प्रूफ करने के लिए। तो मेजर ऑफ इक्वल टू मेजर ऑफ ई हो गया, तो क्या हो गया बी इज मेजरेबल हो गया ठीक है, ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया क्योंकि ई मेजरेबल लिया और बी इक्वल टू ई के बराबर हुआ, तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब हम दूसरी तरफ से लेते हैं रिजल्ट नेक्स्ट पेज पे, लेट देयर इज ए मेजरेबल सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ई विद मेजर ऑफ बी इक्वल टू मेजर ऑफ ई। अब हमें दिखाना इज मेजरेबल ठीक है, तो देन बाय प्रीवियस थ्योरम 3.4.10b, हम अभी पीछे रिजल्ट निकाल लें, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ई देन कंप्लीमेंट मेजर ऑफ ई माइनस बी इक्वल टू मेजर ऑफ ई माइनस मेजर ऑफ बी है ना। तो मेजर ऑफ बी किसके बराबर है, मेजर ऑफ ई के, तो यहाँ पर रख देते हैं जीरो हो गया। अब आपको पता है जिस सेट की जीरो मेजर जीरो होती है तो सेट मेजरेबल होता है, और हम ई को इस तरह से लिख सकते हैं ई माइनस बी यूनियन बी ठीक है, क्योंकि ई बड़ा सेट है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार बी भी मेजरेबल है, ई माइनस बी भी मेजरेबल है, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, देयरफॉर इज मेजरेबल। नाउ थ्योरम 3.4.12, प्रूव दैट ए काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज ए मेजरेबल सेट। अब पहले आपने क्या था, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल प्रूव किया था, अब है काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल मतलब काउंटेबल इन फाइनाइट मतलब वही ए सेट विच हैज़ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल सेट है ना, एनुमरेबल और डेनुमरेबल सेट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, इसे प्रूफ करने से पहले हमें एक लेमा ये प्रूफ करनी पड़ेगी, लेमा 3.4.13, लेट स्क्रिप्ट ए बी एन एलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एस। अब एलजेब्रा की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होती है, एलजेब्रा वही एम्प्टी सेट भी उसके अंदर होना चाहिए, इंटरसेक्शन भी टू फाइनाइट इंटरसेक्शन भी होना चाहिए, बाय डी मॉर्गन उनका यूनियन भी होना चाहिए उसी के अंदर, ये भी एलजेब्रा सेट होता है। अब हमने क्या किया, इफ ए आई इज ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस बी आई ऑफ म्यूचुअली डिजॉइंट सेट इन स्क्रिप्ट सच दैट यूनियन ऑफ बी आई इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई, ये प्रूफ करना है। अगर एक हमारे पास सीक्वेंस है ऑफ सेट्स इन ए, तो एक और सीक्वेंस होगा उस तरह के सेट्स का म्यूचुअली डिजॉइंट होंगे जो सेट्स इन ए में ही, सच दैट की यूनियन ऑफ बी आई इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई, इस तरह से हम प्रूफ करेंगे इसे लेमा को, और लेमा यूज होगी थ्योरम प्रूफ करने में। तो सबसे पहले लेमा प्रूफ करेंगे, इफ़ द सीक्वेंस क्या दिया है ए आई इज फाइनाइट, तो रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा, यूनियन ऑफ बी आई इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई ठीक है। अब लेट अस एज्यूम ए आई बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो हमने क्या किया, अगर सेट बी इक्वल टू बी वन इक्वल टू ए वन कर लेते हैं तब भी प्रूफ हो गया। अब रिजल्ट हम प्रूफ करते हैं फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए, तो डिफाइन बी एन इक्वल टू ए एन माइनस
यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन माइनस वन ए आई, ठीक है। अब ये बी एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन इंटरसेक्शन ए वन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए टू कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड सो ऑन एन इंटरसेक्शन ए एन माइनस वन कम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो बी एन हमने डिफाइन किया, क्या ये स्क्रिप्ट ए में होगा? यस, यही प्रूफ करना है एलजेब्रा में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी नोट द फॉलोइंग फैक्ट्स। नंबर वन, बी एन बिलोंग्स टू एलजेब्रा फॉर ईच एन, एंड दैट इज सिंस ए स्क्रिप्ट ए इज क्लोज अंडर द कॉम्प्लीमेंट एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट इन ए, तो बी एन हो ही होगा इसमें, क्योंकि ये क्या है जो डिफाइन किया गया है, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंड सेट, तो इसलिए बी एन बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट ए एन। सेकेंड, बी एन इज ए सबसेट ऑफ ए एन, क्योंकि बी एन क्या है, एक तरह से सबसे छोटा सेट है, इंटरसेक्ट करके आया, तो बी एन सबसेट ए एन फॉर ईच एन, ठीक है। अब डिसजॉइंट प्रूफ करना है, बी एन आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, जो लेमा में दिया गया है कि हम बी एन भी डिसजॉइंट म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं जो बी एन है। तो कंसिडर बी एन, बी एन इज ए सबसेट ऑफ एम, वी हैव, ये हम सेकेंड से देख चुके हैं। तो अब इंटरसेक्ट कर दो बी एन से, दोनों तरफ इंटरसेक्ट किया, तो अब यहाँ वैल्यू रख दो किसकी, बी एन की, तो ए एम इंटरसेक्शन वही सब, ए एन कम इंटरसेक्शन ए वन कम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, इस तरह से। अब सारे डिसजॉइंट हैं, तो इक्वल टू ए एम इंटरसेक्शन ए एम सी इंटरसेक्शन, इस तरह से ये सब एम टी आ गए, दे आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो बी एम इंटरसेक्शन बी एन आर डिसजॉइंट सेट। तो अब फोर्थ है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये वेल डिफाइंड है, यूनियन ऑफ बी आई इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई, ये प्रूफ करना, तो डिसजॉइंट भी प्रूफ हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेट लेफ्ट हैंड बी में आई में लेंगे, वो ए आई में दिखाएंगे, और ए आई वाला बी आई में दिखाएंगे। एक तो अब ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ईच बी आई इज ए सबसेट ऑफ ए आई, तो इस तरह से बी आई इज ए सबसेट ऑफ यहाँ पर ई आई ए आई फॉर ईच आई, तो वी हैव यूनियन भी इनका, इस तरह से ही होगा। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं, टू प्रूव दी रिवर्स इनकर्सन इंक्लूजन, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए आई, तो ए आई का मतलब एक्स एक एट लिस्ट वन सेट ए आई में होगा, एट लिस्ट वन में, और जब एट लिस्ट में होगा तो एक नंबर के लिए एन बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई, तो एक्स बी एन में भी होगा एट लिस्ट वन के लिए, तो इस तरह से एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ बी एन आ गया। तो यूनियन ऑफ ए आई इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ बी आई, और पहले हम प्रूफ कर चाहिए यूनियन ऑफ बी आई इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए आई, तो इक्वलिटी प्रूफ होगी। अब हम थ्योरम प्रूफ करते हैं, हमने कहा कि वो काउंटेबल यूनियन इस रिप्रेजेंट कर दिया यूनियन ऑफ ई आई, देन वी हैव टू सो दैट इज़ मेजरेबल, तो बाय लेमा वी हैव एज्यूम दैट विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी दिस सेट्स ई आर म्यू आई आई आर म्यूचुअली डिसजॉइंट यूनियन, है ना, जो जो इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं वे कैसे हैं, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं, अब लेमा से प्रूव कर चुके हैं। और फॉर ईच एन, अब हम फाइनाइट केस में एफ एन ले लिया और आई इक्वल टू वन टू एन ई आई लिया, तो एफ एन बिलोंग्स, क्योंकि ई आई मेजरेबल है, तो मेजरेबल है तो एफ एन भी मेजरेबल होगा, और एफ एन किस में होगा, मेजरेबल सेट कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स में होगा, स्क्रिप्ट एम में, सिंस ई आर आर मेजरेबल सेट एंड बींग टू बिलोंग टू स्क्रिप्ट एम, तो देयर फॉर एफ एन इज मेजरेबल, देयर फॉर फॉर एनी सेट ए, तो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं मेजरेबल सेट की, तो मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन सी। अब हम इसे मेजर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ इंटरसेक्शन एफ एन प्लस मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई सी, जो एफ एन सी वो ई सी से वो हो गया रिप्लेस, वो कैसे हुआ, इस तरह से हुआ, सिंस एफ एन कम्प्लीमेंट किसके होगा, यूनियन ऑफ ई आई, फाइनाइट यूनियन ऑफ ई आई कम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम क्योंकि एन तक है और इसका कम्प्लीमेंट एन के बाद होगा, आई इक्वल टू एन प्लस वन इन्फिनिटी ई आई। अब ई सी क्या है, एक तरह से कम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि पूरे का है, तो हम यूनियन कर सकते हैं एम टी सेट का, ई कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और कंटेंट कंटेंस ई सी, तो इस तरह से हम मेजर दोनों तरफ के लेंगे, यानी कि ई सी इज ए सबसेट ऑफ एफ एन सी, और इंटरसेक्ट करते हैं दोनों का और मेजर ले लेते हैं, इस तरह से हम रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे वन में जो ये लास्ट टर्म आया है राइट हैंड साइड में, तो इस तरह से आया है। नाउ वी नो दैट, अब हम जानते हैं जो सब एडिटिव प्रॉपर्टी है, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन इक्वल टू आई इक्वल टू वन, फाइनाइट सब एडिटिविटी आई इक्वल टू वन टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई लिख सकते हैं।
अब इसे जो है मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इक्वल टू एन एम मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई रखते हैं पहले वाली इक्वेशन में, ए इंटरसेक्शन एफ एन सी मेजर ऑफ इसकी वैल्यू तो यहाँ पर हमने रखी, सॉरी मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन की वैल्यू, ए मेजर ऑफ इंटरसेक्शन एफ एन सी की वैल्यू हम रख चुके तो ये फाइनाइट होगी। अब चूंकि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका मेजर ऑफ ए वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है तो एन टेन टू इन्फिनिटी ले सकते हैं राइट हैंड में फर्स्ट टर्म में, तो ये हमारी जो प्रूफ हो गया आपका मेजर ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई। इससे क्या होगा, इज मेजरेबल और ई क्या है यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स है काउंटेबल यूनियन। अब सिग्मा एलजेब्रा या सिग्मा बुलियन एलजेब्रा, पहले आपने एलजेब्रा पढ़ा था तो एलजेब्रा में फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बिलोंग करते थे और यूनियन फाइनाइट करती थी, इसमें क्या है काउंटेबल यूनियन बिलोंग करती है। तो एन एलजेब्रा ए ऑफ सेट्स इज कॉल्ड सिग्मा एलजेब्रा और बुलियन एलजेब्रा इफ इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स, और बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये हो जाएगा अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन के लिए भी हो जाएगा ये ट्रू। तो ये आपकी सिग्मा एलजेब्रा और सिग्मा बुलियन एलजेब्रा की डेफिनेशन हुई। नाउ गो टू नेक्स्ट पेज कोरोलरी 3.4.145 प्रूव दैट द फैमिली एम स्क्रिप्ट एम ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स सब सेट्स ऑफ आर इज सिग्मा एलजेब्रा सेट्स इन आर। जब पहले हम प्रूव कर चुके इसे कि मेजरेबल सेट है काउंटेबल यूनियन भी इसी में होगी एम भी एम में और काउंटेबल इंटरसेक्शन भी इसी में होगा तो इसलिए एम इज एन सिग्मा एलजेब्रा। अब है थ्योरम 3.4.16 ई आई इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट देन मेजर ऑफ, पहले हम फाइनाइट के लिए प्रूव कर चुके हैं ये प्रॉपर्टी, तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई काउंटेबल यूनियन ऑफ ई आई इक्वल टू समेशन ऑफ मेजर ऑफ ई आई ये प्रूव करेंगे। इस लेट अस स्टार्ट फॉर ईच एंड इन वी हैव मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई फाइनाइट तो ये हम जानते हैं। अब चूंकि अब हम जानते हैं फाइनाइट किसका सबसेट होगा इनफाइनाइट यूनियन का होगा, तो इस तरह से हमने मेजर लिया दोनों तरफ का तो मेजर ऑफ ये हो गया। अब इसके बाद जो है क्योंकि फाइनाइट को हम समेशन कर सकते हैं सम अप कर सकते हैं इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एम मेजर ऑफ आई लेस देन इक्वल टू यूनियन दिस मेजर ऑफ यूनियन दिस फॉर ऑल एन वन प्राप्त किया वन। अब चूंकि राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ एन है तो लेटिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी तो इस तरह से इस समेशन भी इस तरह से हुआ। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबल सब एडिटिव टी वी हैव मेजर ऑफ यूनियन ऑफ लेस देन इक्वल टू आई इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई आई तो इस तरह से इक्वलिटी प्रूफ होगी दोनों को मिला के। नाउ नेक्स्ट थ्योरम 3.4.17 प्रूव दैट द कार्डिनलिटी ऑफ स्क्रिप्ट एम एम इज 2c। जो हमारा कलेक्शन है ऑफ मेजरेबल सेट जिसे स्क्रिप्ट एम से डिनोट किया है उसकी कार्डिनलिटी भी 2c होती है, और सी किसकी होती है काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट की होती है, और 2c क्या होती है पावर सबसेट की होती है। तो सिंस मेजर ऑफ सेट किसका है पावर सेट का सबसेट है स्क्रिप्ट एम इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट, तो इसका मतलब दोनों तरफ की कार्डिनलिटी लेने पावर सेट की क्या है 2c, तो कार्डिनलिटी मेजर ऑफ एम लेस देन इक्वल टू 2c। अब इसका रिवर्स पार्ट प्रूफ करते हैं। अब जो पी सी है जो कैंटर सेट है जो पावर सेट है कैंटर सेट का ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द काउंटर सेट इज कंटेन इन एम, क्योंकि मेजरेबल है इसीलिए कंटेन करता है, तो कंटेन क्या इसका क्या मतलब हो गया पी सी इज ए सबसेट ऑफ स्क्रिप्ट एम, दोनों तरफ की मेजरेबिलिटी ले लेते हैं और मेजर पी सी जो सबसेट ऑफ है मेजरेबिलिटी ली तो पी सी की 2c लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ स्क्रिप्ट एम। तो इस तरह से स्क्रिप्ट एम की कार्डिनलिटी या सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स की कार्डिनलिटीज 2c है। और 3.5 बोरल सेट्स एंड देयर मेजरेबिलिटी बोरल सेट बोरल पहले सिग्मा आपने सिग्मा एलजेब्रा भी पढ़ा आपने सिग्मा एलजेब्रा भी पढ़ा अब बोरल सिग्मा एलजेब्रा एंड बोरल सेट्स। तो अब क्या करते हैं जो हमारे पास सिग्मा एलजेब्रा है अगर वो जनरेटेड होता है बाय द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन आर तो और उसे डिनोटेड बी स्क्रिप्ट बी से डिनोट कर देते हैं तो इज द क्लास ऑफ बोरल सिग्मा एलजेब्रा ऑफ सेट्स इन आर, और जो इसके एलिमेंट होते हैं वे बोरल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है अब ये थ्योरम है 3.5.3 प्रूव दैट एवरी बोरल सेट इन आर इज मेजरेबल दैट इज स्क्रिप्ट बी इज ए सबसेट ऑफ स्क्रिप्ट एम, ये हमें प्रूव करना है प्रूव दैट एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल सेट या स्क्रिप्ट बी इज ए सबसेट ऑफ एम, इसे हम स्टेप वाइज में करेंगे। तो सबसे पहले वी प्रूव द थ्योरम इन सेवरल स्टेप बाय यूजिंग द फैक्ट दैट स्क्रिप्ट एम इज ए सिग्मा एलजेब्रा स्टेप 1। अब हमने इसमें एक तरह से इंटरवल क्या लिया
ये सबसेट किसके हैं, माइनस ए इन्फिनिटी किसका सबसेट है, रियल लाइन का। तो अब इसके लिए से मेजरेबल दिखाना, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसी तरह से मेजरेबल सेट डिफाइन कर लेंगे। तो इट इज एनफ टू सो दैट फॉर एनी सेट ए मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए वन प्लस मेजर ऑफ ए टू। और ए वन क्या है, इसके साथ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ए वन इस तरह से है, ए वन क्या है, ए इंटरसेक्शन इस, और ए वन इक्वल टू ए वन इन ए इंटरसेक्शन दिस इंटरवल, ए टू इक्वल टू ए इंटरसेक्शन दूसरे वाला माइनस इन्फिनिटी टू ए, इस तरह से कर लेंगे। तो इफ मेजर ऑफ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये दोनों तरफ से प्रूफ होगा हमारा एजर्सन। तो अब इसे फाइनाइट केस के लिए ले लेते हैं। तो फॉर ईच एप्सिलॉन देयर इज ए काउंटेबल कलेक्शन आई एन ऑफ ओपन इंटरवल्स, आउटर मेजर की डेफिनेशन लगाते हैं, कवर्स ए, ठीक है, सेटिस्फाई सिग्मा लेंथ ऑफ आई एन लेस देन मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, वन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो राइट आई एन डैश इक्वल टू आई एन इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी। अब ये देखिए, जो हमारे ए वन ए टू हैं इनका कवर्स ढूंढ लेते हैं। ए वन इज ए सबसेट ऑफ कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन डैश, कैसी, ए टू इज ए सबसेट ऑफ कवर्ड बाई आई एन डबल डैश, किस तरह से। तो इसे डिफाइन करने की कोशिश की जा रही, तो आई एन डैश किस तरह से कर लिया, आई एन डबल डैश किस तरह से हो गया, और इनका यूनियन इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसका यूनियन क्या होगा, आई एन के बराबर होता है, और इसका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट होगा आई एन डैश और आई एन डबल डैश का। तो लेंथ ऑफ आई एन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एन डैश प्लस लेंथ ऑफ आई एन डैश, कैसे, क्योंकि लेंथ मेजर के बराबर होती है। तो यू कैन राइट इट मेजर ऑफ आई एन डैश प्लस मेजर ऑफ आई एन डैश। नाउ गो टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर इस तरह से ये मैं समझा चुका हूँ, इज ए वन इज कवर्ड बाई दिस एंड इज ए वन इज कवर्ड बाई आई एन डैश, है ना, ये हम प्रूफ कर लेंगे। ऐसे ए टू इज कवर्ड बाई आई एन डबल डैश, तो मैं इस तरह से मेजर लिया, मेजर ऑफ ए वन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन और लेस देन इक्वल टू समेसन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ए टू वाला ये हो गया, हैंस तो मेजर ऑफ ए वन प्लस मेजर ऑफ ए टू इनकी वैल्यू रख देते हैं, इज लेस देन इक्वल टू समेसन दोनों का और समेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन, और ये किसके लेस देन है, बाई डेफिनेशन वन, इस तरह से हो गया एप्सिलॉन आर्बिट्री। इस तरह से हम प्रूफ हो गया हमारा रिजल्ट, और ये प्रूफ हो गया जो हमने इंटरवल लिया था इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी और ए इज मेजरेबल, ठीक है। स्टेप टू, अब इसी की हेल्प से सब प्रूफ हो जाएंगे। द इंटरवल उसमें क्या था, ए इन्फिनिटी, इसमें माइनस इन्फिनिटी ए, ए क्लोज्ड है ए की तरफ से, राइट हैंड में क्लोज्ड, इज मेजरेबल। तो अब हम इसका जो पहला वाला हमने प्रूफ किया, इसका कंप्लीमेंट निकाल देते हैं। और हम जानते हैं कि अगर किसी मेजरेबल सेट की कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी मेजरेबल होती है। तो स्टेप थ्री में अब दे द इंटरवल, ये है माइनस इन्फिनिटी और बी ले लेते हैं ओपन इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी बी, इसमें क्लोज इंटरवल में राइट क्लोज में ए लिया था, इसमें बी ले लेते हैं। तो ये है माइनस इन्फिनिटी बी, मैंने नीचे भी लिख रखा है ना, इस तरह से इज मेजरेबल। तो इसके लिए क्या कहेंगे, सिंस इट कैन बी यू एक्सप्रेस्ड एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ इंटरवल सच दैट, इस तरह से है ये, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, देयर फॉर दिस सेट इज मेजरेबल। अब स्टेप फोर्थ में एनी ओपन इंटरवल ए बी इज मेजरेबल, तो इसे कैसे लिखते हैं हम, ये हो गया, और दोनों सेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, देयर फॉर दिस इंटरवल इज मेजरेबल। अब ओपन सेट इज मेजरेबल, आप जानते हैं मीट्रिक स्पेस में सिंस एवरी ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, और ओपन इंटरवल्स कैसे हैं, मेजरेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, देयर फॉर ओपन सेट इज मेजरेबल। अब यह कोरोलरी 3.5.5 प्रूफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी सेट ही, आर्बिट्रेरी सेट मेजरेबल भी है और नहीं भी, अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट जी डेल्टा सेट जी सच दैट ई कंटेंस ई कंटेंट इन जी एंड मेजर ऑफ ई इक्वल टू मेजर ऑफ जी, ये प्रूफ करना करना है। ये देख सकते हैं 3.2.14 में पहले भी प्रूफ कर चुके हैं हम, ये मैंने हिंट दे दिया 3.2.14 में प्रूफ किया हुआ है। अब थोड़ा मैं 3.5.6, इफ ए इज मेजरेबल सेट विद फाइनाइट मेजर देन इज ए सबसेट ऑफ ए इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ ए माइनस ई। वैसे तो पहले प्रूफ कर चुके हैं इसे, पर फिर भी इसमें और तरीके से प्रूफ किया है, इसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इज मेजरेबल लिया और इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो गया, सेट की डेफिनेशन मेजर ऑफ ए इक्वल टू दिस दिस, यू जानते यू नो वेरी वेल। तो मेजर ऑफ ए रखो ये सारी वैल्यू, मेजर ऑफ ई, क्योंकि यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन ई है, तो ई छोटा सेट है, ई सब सेट ऑफ ए, तो ई बचा है यहाँ पर।
और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ई सी है, तो ए माइनस सी लिख सक ई लिख सकते हैं इसे, ये मैंने दिया भी है। तो इस तरह से इज मेजरेबल है, तो मेजर ऑफ ए, ये हमारा प्रूफ हो गया जो हम प्रूफ करने वाले थे, मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ ए माइनस ई। अब कन्वर्सली ले लेते हैं, नाउ कन्वर्सली, अब चूंकि फॉर ए माइनस ई ले लेते हैं, फॉर ए माइनस ई सेट देयर एग्जिस्ट अ जी डेल्टा सेट जी कंटेन्स ए माइनस ई सच दैट मेजर ऑफ ए माइनस ई इक्वल टू मेजर ऑफ जी, ठीक है राइट। ये अब इससे हमें दिखाना है कि ई इज मेजरेबल, तो सिंस ए ए माइनस ई सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन जी इज ए सबसेट ऑफ जी, ठीक है। ए माइनस ई इज ए सबसेट ऑफ जी लिया था, तो ए इंटरसेक्शन जी भी सबसेट होगा जी का, और ए माइनस ई कंटेनिंग ए इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो मेजर ले लेते हैं, तो मेजर ऑफ ए माइनस ई लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ इंटरसेक्शन जी लेस देन मेजर ऑफ जी, और मेजर ऑफ ए माइनस ई लिख सकते हैं अभी डेफिनेशन से, ठीक है। तो इससे हमें प्रूफ प्राप्त है, मेजर ऑफ ए माइनस बी किस ए माइनस सी किसके बराबर होता है, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी के, तो वन से नाम दिया। अब यहाँ पर सिंस ए माइन ए इंटरसेक्शन जी इज मेजरेबल है, देयर फॉर, क्योंकि ए इज मेजरेबल, जी ओपन सेट है मेजरेबल है, तो फॉर एनी सेट ए मेजर ऑफ इक्वल टू मेजर ऑफ, यहाँ पर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन जी प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी कंप्लीमेंट, यानी कि सिंस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन जी जो है इज मेजरेबल है फॉर एनी सेट ए, तो यहाँ डेफिनेशन लगाते हैं मेजर सेट की, तो ए इंटरसेक्शन जी ई से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये रिप्लेस कर देते हैं। अब सेट थ्योरी से ए इंटरसेक्शन जी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन जी के, और इसी तरह से दूसरे वाला किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन जी कंप्लीमेंट के। तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन जी, और मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी प्लस मेजर ऑफ ए माइनस जी कंप्लीमेंट, और मेजर ऑफ इस तरह से हमें मिला मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ ए माइनस ई प्लस मेजर ऑफ ई, ठीक है, सिंस मेजर ऑफ इक्वल टू मेजर ऑफ ए माइनस जी, ठीक। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, थैंक यू।